हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे आप लोग? कौन कौन लाइव है अभी? दो दिन से क्लास नहीं हो पाई, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी उस वजह से। इसके पहले हम लोगों ने क्या टॉपिक कवर किया था उसके आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने वेजिटेशन कवर किया था, ठीक है। वेजिटेशन वनस्पति जो है उसको कवर किया था, आज उसके आगे का अपन लोग कवर करेंगे क्लास में, ठीक है। बहुत मस्त टॉपिक है, मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, कौन कौन है, स्टार्ट करें? ठीक है, आज तो काफी कम लोग दिखाई दे रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी के बाद लग रहा है लोग वापस आए नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में आज हम लोग हमारी क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा पढ़ने का तरीका, हर क्लास से पहले उस क्लास में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका हम एक बेहतरीन फॉर्म में पूरा छत्तीसगढ़ के मैप में सारी चीज़ें बना के देख लेते हैं। तो इस मैप में जो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे, इस मैप में वो सारे जो जो जितने भी छत्तीसगढ़ में अभयारण्य है, सेंचुरीज है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो भी है, सब का सब आपको यहाँ दिख जाएगा। तो टोटल छत्तीसगढ़ में दोस्तों 11 सेंचुरीज, 11 अभयारण्य हैं, और हमारे कितने नेशनल पार्क हैं? 3 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला नेशनल पार्क, हम पहले नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं। पहला नेशनल पार्क हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा कोरिया में है, यहाँ पे ऊपर में। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत बाजू के डिस्ट्रिक्ट में भी दिखेगा आपको, सूरजपुर में, लेकिन ये एक्चुअल में बस बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन है। अगर एग्जाम में पूछता है तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये हमको कोरिया में ही दिखाना है, ठीक है। कोई भी अगर जैसे एग्जाम में भी पूछता है कि कौन से जिले में है, तो कोरिया ही लिखना है हमको, ठीक है। ये एक्चुअली संजय गांधी नेशनल पार्क था, जब हम हमारे बड़े भाई से अलग हुए उसके बाद फिर जो पोर्शन उधर बच गया वो संजय गांधी नेशनल पार्क कहलाता है, और जो इधर बच गया वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क बन गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते, दूसरा नेशनल पार्क है हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि हमारा नीचे में है बीजापुर में, ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो इंद्रावती नाम से ही समझ में आ रहा है, इंद्रावती रिवर तो हमने पढ़ा भी है, इंद्रावती यहाँ से ऐसे करके आती है और ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे करके निकल जाती है और जाके गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। इसलिए हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क है, इंद्रावती नदी के ऊपर इसका नाम है, ठीक है। फिर जो हमारा बच जाता है कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमको पता है कांगेर नदी बहती है, सबरी नदी जो मेन बहती है यहाँ पर से, है ना, और कांगेर नदी हमारी जो इसमें जाके मिल जाती है। तो सबरी नदी एक्चुअली इसके लिए एक बाउंड्री के जैसे काम करती है, और कांगेर नदी यहाँ से फ्लो होके जाती है। देखो, इसीलिए मैं जो भी क्लास से पढ़ाया था इससे पहले, सब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जितने भी लोग यहाँ पे पहले क्लास अटेंड किए सब रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। कर पा रहे हो कि नहीं? यस नो कुछ लिख के भेजोगे? ठीक, फिर आ जाते हैं अपन लोग सेंचुरीज। तो सेंचुरीज में सबसे पहले अपन लोग डिस्कशन करेंगे तमोर पिंगला सेंचुरी, ठीक है। ये है हमारा तमोर पिंगला ऊपर में सूरजपुर के पास। फिर आ जाते हैं अपन लोग बादल खोल सेंचुरी, बादल खोल अभयारण्य। देखो, ये दोनों अलग अलग जगहों पे तो दिख रहा है, एक सूरजपुर में एक जसपुर में, लेकिन ये अंदर से ना कनेक्टेड है, ये पूरे जंगल यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा हमारा सेमासोत सेंचुरी है यहाँ पास, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम बल्लों। अच्छा ये इसलिए मैंने अभी बताया, आगे आप लोगों को काम आएगा, ध्यान में मैं वापस उस समय इस फिगर पे आऊंगा। तो ये समझिए कि यहाँ ये दो अभ्यारण अलग अलग जिलों में तो है लेकिन ये इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं आप लोग लेमरू एलिफेंट पार्क, जो कि हमारा कोरबा में है, ठीक है, कोरबा में हमारा लेमरू एलिफेंट पार्क। ये भी तो जो हमारे एलिफेंट्स होते हैं ना, एलिफेंट्स एक्चुअली यहाँ इधर विचरण करते हैं, इधर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ऐसे ये पूरा इतना उनका पूरा एरिया रहता है एलिफेंट्स का, इसलिए लेमरू को हम एलिफेंट पार्क बनाए हैं और इधर भी हमारा एलिफेंट पार्क बन रहा है। फिर उसके नीचे आ जाते हैं हम लोग, बिलासपुर के पास में ही है हालांकि ये, ठीक है, कोटनी सोनार क्रोकोडाइल पार्क, मगरमच्छ पार्क है कोटनी सोनार। बिलासपुर जिले में तो नहीं आता लेकिन बिलासपुर जिले के बहुत ही पास पड़ता है ये, बिलासपुर वाले अक्सर इसको घूमने जाते रहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है गोमर्दा। तो दोस्तों बहुत सारे आप लोगों को फिगर में आप लोग देखे होंगे, अगर और कोई बुक आप लोग रिफर कर रहे होंगे, गोमर्दा यहाँ कहीं पे दिखाता है तो वो गलत है, ठीक है। गोमर्दा यहाँ पास नीचे नीचे पोर्शन में है रायगढ़ के, ठीक है। फिर आ जाते हैं दोस्तों आप लोग अचानक मार्ग सेंचुरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा सेंचुरी है जिसको बायोस्फीयर में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। बायोस्फीयर क्या होता है अभी आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो ये हमारा कंट्री का 14th नंबर का, देश का 14th नंबर का बायोस्फीयर है, ठीक है, और हमारे राज्य का इकलौता। फिर उसके नीचे है हमारा कवर्धा में भोरम देव सेंचुरी, ये सबसे नया सेंचुरी है, अभी 2001 में बना था, ये इकलौता सेंचुरी है जो कि हमारा। देखो मैं पूरा का पूरा फोकस दोस्तों हमेशा की तरह फिगर में ही कर रहा हूँ, ये आप लोगों के दिमाग में बैठ गया उसके बाद तो सिर्फ आप लोगों को मतलब सिर्फ कुछ डेटा याद रखने और आप लोग पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही होगी आज आप लोगों को, ठीक है, आज थोड़ा सा मैनेज करो। फिर आ जाते हैं अपन लोग गिधवा बर्ड सेंचुरी, ये गिधवा बर्ड सेंचुरी, ये ग्रीन कलर में मैंने आप लोगों के लिए अलग से यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अपन लोग उदंती सेंचुरी और सीता नदी सेंचुरी। देखो ये सीता नदी मैंने नाम यहाँ लिखा, उदंती यहाँ लिखा है, ये है एक ही, है एक ही, लेकिन ये इंटरनली कनेक्टेड है, ये दो अलग अलग अभ्यारण है, एक सीता नदी अभ्यारण और एक उदंती अभ्यारण, समझ पा रहे हैं आप लोग, देखो इसको रिलेट कर पा रहे हो। अच्छा नहीं लग रही क्या, ठीक है ठीक है, थैंक यू विकेश। उसके बाद आ जाते हैं अपन लोग बारनवा पारा। तो बारनवा पारा हमारा ऐसा सेंचुरी है जो कि दो जिलों को कवर करता है, ये इकलौता ऐसा है जो कि दो जिलों को कवर करता है। यहाँ पे जो दो जिले हैं ये दोनों अलग अलग सेंचुरी है, सीता नदी अभयारण्य और उदंती अभयारण्य, ये दोनों अलग अलग हैं, बट बारनवा पारा इकलौता है जो कि हमारा बलौदा बाजार और बलरामपुर ये दोनों को हमारा ये कवर करता है, ठीक है। इसके बाद गोमर्दा मैंने आप लोगों को बता दिया, गोमर्दा रायगढ़ में है, ठीक है। और कौन सा बच गया, फिर आ जाते हैं अपन लोग भैरमगढ़। तो ये भैरमगढ़, अच्छा भैरमगढ़ पामेड़ और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये तीनों का तीनों अपना बीजापुर में है, ठीक है। तो ये भीमर भैरमगढ़ और पामेड़, ध्यान रखिए भैरमगढ़ हमारा ऊपर है और पामेड़ हमारा नीचे है, ठीक है। और क्या छूट गया हमारा, कोटनी सोनार मैंने आप लोगों को बता दिया, बादल खोल सेंचुरी मैंने आप लोगों को बता दिया, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं आई गेस ये सब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई ये नेशनल पार्क और सेंचुरी होता क्या है, ठीक है। इसके पहले ये हमको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि वन्य अभयारण्य और हमारा राष्ट्रीय उद्यान में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होता है जहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होता है जहाँ पे हम लोग संरक्षण करते हैं, सुरक्षा करते हैं सिर्फ और सिर्फ वन्य जीवों की, वाइल्ड एनिमल्स की, ठीक है। उससे बड़ा होता है हमारा नेशनल पार्क,
नेशनल पार्क में वहां पे हम वन्य जीवों का तो संरक्षण करते ही करते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का संरक्षण करते हैं, उसके साथ ही साथ वहां के फल फूल पेड़ पौधे फ्लोरा फौना लैंडस्केप, वहां पे कोई ऐतिहासिक वस्तु है, कोई दृश्य है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स है, या फिर वहां पे कोई हमारा कोई ट्राइब रह रहा है, कोई जनजातियां वहां पे रह रही है, तो इन सारी चीजों का हम संरक्षण करते हैं नेशनल पार्क में। तो समझ में, सेंचुरी हमारा होता है छोटा, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जानवरों की देखभाल करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। नेशनल पार्क उससे भी बड़ा हो जाता है, और नेशनल पार्क से भी बड़ा होता है दोस्तों बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के अंदर तो पूरा का पूरा नेशनल पार्क वाली सारी चीजें, वन्य जीव, पेड़ पौधे, फूल फल, वहाँ के कोई आदिवासी है तो वो सारी चीजें, उसके साथ साथ वहाँ पे जो नदियाँ बह रही है, अगर कुछ वहाँ पे कुछ भी है, वहाँ का मतलब जल थल, और एक तरीके से बोला जाए वायु भी, तो वायु बोलने का मतलब वहाँ पे जो बर्ड्स है, जो चिड़ियाँ हैं, उनका भी संरक्षण हम करते हैं। तो वहाँ का जो आसपास का वातावरण है, उसका एटमॉस्फेयर है, वो उसी तरीके से दोस्तों हम बनाते हैं जिससे कि वहाँ की जो चिड़ियाएँ हैं वो भी बच सके। तो समझ में आया आप लोगों को बायोस्फीयर क्या है, नेशनल पार्क क्या है, और सेंचुरी क्या है। ठीक है, ये समझ में पता, ये हमको पता होना चाहिए। टोटल इंडिया में 103 नेशनल पार्क है, 544 सेंचुरी है, और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 है और 11 सेंचुरीज है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, इसका कलर अपन कर लेते हैं रेड। ठीक है, रेड अच्छा है। ठीक, तो 3 हमारे छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है और 11 सेंचुरीज है। ये सब कुछ आप लोगों को किस में दिख जाता है, हमारे इमेज में जो मैप है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व, इससे पहले हम लोग समझते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो दोस्तों जो बाघ है, टाइगर है, हमारे देश में इतने टाइगर है जो कि एक समय में विश्व का, वर्ल्ड का लगभग 80% 80% टाइगर्स हमारे यहाँ ही होते थे। फिर इनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिराव आया, अभी हम लोग लगभग 70% पूरे वर्ल्ड के टाइगर्स हमारे यहाँ ही मिलते हैं। ठीक है, उससे और एक खास बात है दोस्तों, तो जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा गिर रही थी ना, तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर करके एक प्रोजेक्ट चालू किया था, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने टाइगर रिजर्व्स बनाना चालू किया। एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में टोटल 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, उसमें से 3 हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, और चौथा टाइगर रिजर्व हमारा प्रपोज्ड है ऑलरेडी। ठीक है, और क्या, अच्छा ये फिगर्स कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि 2006 में हमारे यहाँ 1411 टाइगर्स थे। ठीक है, जो कि बढ़ते बढ़ते अभी हम लोग लगभग 3000 के आसपास हमारे यहाँ टाइगर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब आ जाते हैं दोस्तों, अब हम लोगों को पता है कि हमारा कौन सा अभ्यारण कहाँ पे है, हमको मैप से बिल्कुल पता है, हम बार बार वापस अभी मैप पे भी जाते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा अभ्यारण सीता नदी। सीता नदी सबसे पुराना 1974 में बना था, कौन से जिले में है, तो धमतरी जिला। एरिया है हमारा 559 स्क्वायर किलोमीटर, 559 स्क्वायर किलोमीटर टोटल। यहाँ पे जो जो जानवर है, वो जानवर है टाइगर, लेपर्ड, स्क्विरल, वुल्फ, नीलगाय, कोबरा, पाइथन, मंकी, चिंकारा, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड कैट एसेट्रा, ये सारे जो जो एनिमल्स है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए बहुत अच्छे फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दे दिया है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये सबसे पहला सेंचुरी है हमारे राज्य का। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अचानक मार्ग, जो कि हमारा क्या हो गया, अभी बायोस्फीयर भी बन गया है। ठीक है, तो 1975 में 1975 मुंगेली जिला, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट, 551 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो जानवर है वो यहाँ पे क्या क्या है, जंगली कुत्ते, फिर हमारा बाघ, जंगली शुअर, चिंकारा आदि। ये हमारे देश का 14th नंबर का बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व है कंट्री का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा जो सुरक्षा की जाती है, सुरक्षा दी जाती है, या सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, वो होता है टाइगर, बाघ। ठीक है, और मनियारी नदी यहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ से
निकलती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही मस्त वाली फोटो, जिससे आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि अचानक मार, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कोई होगा जिन्होंने नहीं देखा होगा अचानक मार। जो नहीं देखा है वो बिल्कुल देखिएगा, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर जगह है। हालांकि आप लोगों को यहाँ गाड़ी रोकने नहीं दिया जाएगा, एक बार आप लोग एंट्री किए बिल्कुल बीच में रुकना कहीं पे भी अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बादल खोल। बादल खोल हमारा 1975 जशपुर जिला, जशपुर जिला सबसे छोटा अभ्यारण्य, 105 स्क्वायर किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट, इसकी खास बात है कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यहाँ पे हमको क्या मिलते हैं, हमको हिरण, चिंकारा, हाथी मिलते हैं, एलिफेंट, डियर एंड चिंकारा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक तो कैलाश की केव, कैलाश की हमको गुफाएं मिलती है, और गहरी गुरुजी का आश्रम भी हमको यहीं पे मिलेगा, गहिरा गुरुजी का आश्रम। और दूसरा क्या है, राष्ट्र का राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों गोमर्दा। गोमर्दा 1975 में रायगढ़ जिला, 278 की स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं वो है क्या है, लेपर्ड, गौर, बियर, वाइट बोर, बबून और बहुत सारी चिड़ियाएं, मिशलिनियस बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वो है सोन कुत्ता, यहाँ इसको बोलते हैं हमारा सोन कुत्ता अभयारण्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों बारनवा पारा। बहुत ही सुंदर अभयारण्य है, बिल्कुल जाइएगा जिसको भी समय मिले। 1976 में बना था, महासमुंद और बलौदा बाजार को मिला के ये बना है हमारा। ठीक है, 245 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। टाइगर, ब्लैक बक, कोबरा, नाइट एंगल, वुडपीकर, ये जानवर यहाँ पे मिलते हैं। क्लास पास तो नहीं हो रही है, क्लास पास तो नहीं जा रही है, आई गेस नहीं जा रही होगी, सिर्फ फिगर्स ही हैं, डेटा ही हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पे स्नेक्स मिलते हैं हमको, नाग मिलते हैं, तपकरा में मिलते हैं, तपकरा को नाग लोग मिलते हैं नो डाउट, बट यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नंबर में हमको सांप मिलते हैं, इसको स्नेक सेंचुरी भी बोलते हैं, सांप अभयारण्य। ठीक है, उसके बाद बालमदेही नदी यहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ से फ्लो होती है। उसके अलावा यहाँ पे वाल्मीकि का आश्रम है, और तुरतुरिया नदी यहाँ से होकर गुजरती है महासमुंद में। तुरतुरिया जो नाम है वो ऐसा है कि जो जब नदी का उद्गम हो रहा है ना जहाँ से, वहाँ से तुरतुर करके आवाज़ आती है, इसीलिए बस वहाँ से तुरतुरिया नदी हमने रिलेट कर दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को। तो दो आश्रम हमने पढ़े, पहला आश्रम हमने बादल खोल में पढ़ा जो गहिरा गुरु जी का आश्रम है, और यहाँ पे हमारा वाल्मीकि जी का आश्रम है। ठीक है, पेन का कलर ज़्यादा डार्क हो गया है सर, ओके, पेन का कलर ज़्यादा डार्क हो गया है, अभी चेंज कर देते हैं राहुल आपके लिए। ये अपन आ जाते हैं ब्लू में, ये ब्लू ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं अपन लोग, ये बहुत ही सुंदर गोमर्दा अभयारण्य का भी एक और अच्छी मस्त वाली फोटो आप लोगों के लिए। देखो फिगर्स में क्या क्या दिख रहा है, ब्लैक बक दिख रहा है आपको, हिरण दिख रहा है और हाथी दिख रहा है, तो इससे आप लोग रिलेट कर लेंगे। ठीक है, ये कलर ठीक है राहुल, देखो तमोर पिंगला ये वाला कलर सही है, ठीक मोनू, ठीक है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला हमने देखा कहाँ पे था, सूरजपुर में 1978 में बना था, 608 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे बड़ा हमारा अभयारण्य। सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, वापस से जाओ, ये है हमारा बादल खोल सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा है, तमोर पिंगला। रिलेट करके याद रखना पड़ेगा, फिगर से याद रखना पड़ेगा, रटना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं रटना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अभयारण्य है हमारा तमोर पिंगला। तमोर पिंगला में क्या कौन कौन से जानवर मिलेंगे हमको, है नीलगाय, सांबर, भालू, चिंकारा, कोटरी, लंगूर, बंदर आदि। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ा अभयारण्य। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग सेमरसोत। सेमरसोत 1978 बलरामपुर जिले में 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे लायन, लेपर्ड, नीलगाय, सांबर, सोन कुत्ता और बियर आदि। ठीक है, ये जानवर हमको यहाँ पे मिलेंगे, वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तो नीलगाय और टाइगर यहाँ पे स्पेशली मिलते हैं, ज़्यादा संख्या में
ठीक है, सबसे ज्यादा तो हमको कहाँ मिलता है, अभी हमने पढ़ लिया था सबसे पहले वाले में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है पवई फॉल, तो पवई जो प्रपात है वो यहाँ पे मिलता है 2 मार्क्स के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पवई प्रपात कहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों भैरमगढ़, भैरमगढ़ 1983 बीजापुर जिला, 139 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा, ठीक है। इससे पहले जो हमारा सबसे छोटा है उसको रिलेट करिए, ये है हमारा 105 स्क्वायर किलोमीटर और जो भैरमगढ़ है हमारा 139 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे जो फॉरेस्ट बफेलो एंड पीकॉक, तो वन भैंसा जो जंगली भैंसा बाइसन जो है जो हमारा स्टेट का एनिमल है वो यहाँ पे मिलता है, उसके अलावा मोर मिलते हैं हमको यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा फॉरेस्ट बफेलो सेंचुरी, वन भैंसा अभयारण्य। वन भैंसा अभयारण्य बोलने का ये मतलब हो रहा है कि यहाँ पास वन भैंसा का स्पेशली ध्यान रखा जाता है, जैसे सोन कुत्ता अभयारण्य, फिर अभी मैंने आप लोगों को बताया ना वहाँ सोन कुत्ते की संख्या ज्यादा है, वहाँ पे उनका स्पेशली ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये तमोर पिंगला, कुछ अच्छी तस्वीरें तमोर पिंगला की जिससे आप लोग रिलेट कर सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों पामेड़, तो पामेड़ हमारा 1983 में बना था, बीजापुर जिला, 262 स्क्वायर किलोमीटर, 262 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा ये बना हुआ है। यहाँ पे जो जानवर है वो है जंगली सुअर, लकड़बग्घा, बाइसन, नीलगाय, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि, ठीक है। इसको भी बोलते हैं स्पेशली फॉरेस्ट बफेलो सेंचुरी, यहाँ पे भी वन भैंसा अभयारण्य। अच्छा, बार बार दो जगह क्यों हो गया है, तो दोस्तों आप लोगों को एक पता होगा सबसे पहली चीज कि हमारा वन भैंसा क्या है, वन भैंसा हमारा देश, हमारे राज्य का राष्ट्रीय, हमारा राजकीय पशु है, हमारा स्टेट का एनिमल है। क्यों है, क्योंकि इसको इसलिए बनाया गया था कि इनकी संख्या में दर बदर बिल्कुल गिरावट आती गई, ठीक है। आप लोगों को कुछ अगर आप लोग करंट अफेयर भी फॉलो करते होगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो हमारी लास्ट फीमेल वन भैंसा थी, है ना, लास्ट जो मादा वन भैंसा थी उसकी भी मृत्यु हो गई। हालांकि मतलब कोई बीमारी से नहीं हुई, पूरा लाइफ टेन्योर लगभग एक स्वस्थ वन भैंसा का जो एज रहता है वो उतना पूरा कवर करके उसकी मृत्यु हुई। बट अब हमारे स्टेट में एक भी फीमेल वन भैंसा नहीं है, ठीक है, बाइसन नहीं है। हम दूसरे राज्य से अभी लेके आएंगे, ठीक है, आई गेस लेके भी आ गए होंगे, बाकी प्रपोजल तो पुट है, आया है कि नहीं आया मुझे अभी श्योर नहीं है, बट हमारे यहाँ अभी फीमेल वन भैंसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जितनी जगह, ज्यादा जगह पे हो सके हमको वन भैंसा का अभयारण्य हमने बनाया है ताकि उनका स्पेशली ध्यान रखा जा सके। अब आ जाते हैं दोस्तों उद्यंती, देखो जो भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। इंटरव्यू में ये पूछ लेगा कि हमारे एक से ज्यादा वन भैंसा का अभयारण्य क्यों है, हर लगभग हर दूसरे अभयारण्य में वन भैंसा को क्यों स्पेसिफिकली मतलब सुरक्षा दिया जा रहा है, तो ये सारे इंटरव्यू के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हेलो मोनिका, ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो फिर 1983 गरियाबंद जिले में 231 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, अगेन फॉरेस्ट बफेलो और पीकॉक सिचुएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बफेलो। और यहाँ पे क्या है हमारा, गुंडा फॉल्स है, गोदना फॉल्स, गोदना प्रपात जो है यहाँ पे बना हुआ है हमारा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। जो भी चैनल में नया है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं जो हमारा सबसे न्यू, सबसे यंग हमारा अभयारण्य सेंचुरी, वो है भोरमदेव। भोरमदेव हमारा 2001 में बना है, राज्य के स्थित होने के बाद, स्टेट के बनने के बाद हमारा भोरमदेव सेंचुरी बना है, कवर्धा जिले में है। कवर्धा जिला सुनते ही अगर आप लोगों के दिमाग में आप लोग तुरंत रिलेट कर रहे हैं कि कवर्धा जिला मतलब माइकल रेंज मतलब रेन शेडो एरिया मतलब हमारा रेन शेडो एरिया को क्या बोलते हैं, वर्षा वृष्टि क्षेत्र, है ना, तो अगर आप लोग ऐसा रिलेट कर रहे हैं तो मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसा रिलेट कर पा रहे हो तो मजा आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन लोग, 163 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है वाइल्ड बफेलो, वही वन भैंसा, जंगली भैंसा, नील गाय, बियर आदि, यहाँ पर हमको भालू आदि यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो खास बात है कि राज्य के बनने के बाद इसको बना है ये सेंचुरी, ठीक है।
आगे बढ़े, ये देखो उद्यंती अभयारण्य की कुछ फोटोज, ठीक है, और हमारा वन वैसा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले जो भी नया है चैनल में उनको बता दूं कि अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो 9932308333 ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के। हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, जिसमें हम लोग डाउट डिस्कशन करते हैं, डेली न्यूज़पेपर शेयर करते हैं दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा सारा करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन होता है, और भी बहुत सारे डिस्कशंस अलग अलग होते हैं। तो अगर आप लोगों को ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग इस नंबर पर अपना नाम और व्हाट्सएप, नाम और डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग, ये मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग इंद्रावती, तीनों नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। तीनों की एक खास बात है, इंद्रावती जो है हमारा देश, हमारे राज्य का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1978 में बना था, जो कि बीजापुर जिले में है। कुल एरिया कितना है, 1258 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आ जाते हैं दूसरा, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी हमारा बस्तर में है, 1982 में बना था, 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं दोस्तों हम लोग, तो तीसरा है हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कोरिया जिले में स्थित है, है ना। 2001 1441 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पुराना, ये हमारा सबसे छोटा और ये हमारा सबसे बड़ा, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी, तकलीफ, आगे बढ़े। अब दोस्तों हमने क्या किया, हमने मैप देखा, मैप में कौन सा सेंचुरी, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे था वो हमने देख लिया। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हमने कर लिया सारे सेंचुरीज के बारे में। आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि सर ने शॉर्टकट में बता दिया, जितना रिक्वायरमेंट था उतना ही मैंने आप लोगों को बताया, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैप बनाओ, थोड़ा डिटेल लिखो, डिस्कशन खत्म वहीं पे, ठीक है। 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, जितना डिटेल आप लोगों के पास है उससे ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी को कहानी के फॉर्म में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। तो अब हम लोग दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तीनों नेशनल पार्क का। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क, सबसे पहले आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि इंद्रावती, वापस से हम लोग फिगर में चलते हैं डिस्कशन देखने से पहले, ये आ गए हम लोग फिगर में, ये है हमारा फिगर। तो इंद्रावती नेशनल पार्क, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कैसे कहाँ पे है, तो ये है हमारा इंद्रावती नदी के बाजू में, ठीक है। इंद्रावती हमारा बस्तर की लाइफलाइन, बस्तर डिवीजन की लाइफलाइन है, यहाँ से ऐसे हो के गुजरती है, ठीक है। और यहीं पे नदी के नाम के ऊपर ही हमारा नेशनल पार्क बना हुआ है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क हमारा यहाँ पास है, ठीक है, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ पास है। वापस से मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, वापस से लेके आया ताकि आप लोग रिलेट कर सको, रिलेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हम लोग डिस्कशन में, ये हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क की, तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग जान लेते हैं फटाफट। एक तो बीजापुर जिले में है, जो कि हमको फिगर से ही दिख रहा है, लाइफलाइन ऑफ बस्तर के मिडवे में है। तो लाइफलाइन ऑफ बस्तर क्या है, इंद्रावती ही है, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल पार्क उसी के नाम के ऊपर बना हुआ है। जब ये अभी, जब इसको बनाया गया था 1978 में, 1978 में जब इसका निर्माण हुआ था, तो उसका कोर एरिया था 1258 स्क्वायर किलोमीटर, और अभी हमारा है ये टोटल 2799 स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल एरिया 2799 2799 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 1983 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में लाया गया, और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया। तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग, क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट टाइगर ये इसलिए आया था कि हम बाघों का संरक्षण कर सकें, प्रोजेक्ट जो टाइगर्स हैं उनका संरक्षण कर सकें, उनको बचा सकें। उसके बाद आया था हमारा टाइगर रिजर्व, ठीक है। और फिर हम लोग, अच्छा, इस नेशनल पार्क में हमको वन भैंसा भी मिलता है, वाइल्ड बाइसन, ठीक है। उसके यहाँ पे उनका जो संरक्षण किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके अलावा जो जानवर मिलते हैं यहाँ पे वो क्या क्या है, लेपर्ड है, स्टैग है, स्नेक है, एक्सेट्रा। उसके अलावा यहाँ पे जो हमको
जो कौन से जंगल है, तो साल, टीक, शीशम, बीजा इन पेड़ों के जंगल है। अब आ जाते हैं दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये पहले था संजय गांधी नेशनल पार्क, 1983 में, 1983 में बना था, जब हम हमारे बड़े भाई से बिछड़े, अलग हुए 2000 में। तो उसके बाद जो पोर्शन छत्तीसगढ़ में आ गया था, है ना, वो पोर्शन था पूरा का पूरा कोरिया में, थोड़ा सा पोर्शन था सूरजपुर में, हाँ सूरजपुर में थोड़ा सा पोर्शन था, तो बेसिकली कोरिया में ही है ये। तो उसको 2001 में जो हमारे यहाँ के सतनामी समाज के गुरु जी थे, गुरु घासीदास जी, तो 2001 में उनके नाम पे हमने ये नेशनल पार्क बना दिया। ठीक है, इसका टोटल एरिया है 1441, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारा स्टेट का। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा हमारे नंबर ऑफ टाइगर्स, बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है ना। उसके अलावा है हमारा यहाँ पे लेपर्ड, नीलगाय, कोटरी, ये सारे जानवर हमको मिलते हैं, और पेड़ है हमारा साल एंड टीक, हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, इस नेशनल पार्क को प्रपोज किया गया टाइगर रिजर्व के लिए। आगे बढ़े, इतना समझ में आया दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी में देखो, हिंदी में भी मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बढ़िया सर यहाँ पे दे दिया है। जो जो चीज़ें मैंने बोली वो ही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती यहाँ से होके बहती है, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा ये जब कब बना, कितना स्क्वायर किलोमीटर में, टोटल जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में लिया गया, 2009 में टाइगर रिजर्व में लिया गया। ठीक है, कौन कौन से जानवर है और कौन से पेड़ हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, गुरु घासीदास के बारे में भी यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। तो यह हमारा कोरिया और सूरजपुर जिले में है ना, तो सूरजपुर जिले में बहुत ही थोड़ी मात्रा में है। उसके अलावा ये कब बना था, इसका नाम, कितना एरिया है, ये सारी चीज़ें किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो सारी चीज़ें यहाँ के जो सतनामी समाज के गुरु जी थे उनके ऊपर इसका नामकरण रखा गया। ठीक है, सब चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पास मौजूद है हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप आ जाते हैं हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये देखते ही दोस्तों आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आप लोगों को नीचे में जो पहाड़ी मैना, हिली मैना दिख रही है, वो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसी कोई भी बोलता है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो तुरंत हिल मैना दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा और सबसे फेमस है ये जगह हिली मैना के लिए। ठीक है, तो बस्तर जिले में है दोस्तों है हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 200 स्क्वायर किलोमीटर में है। उसके अलावा कांगेर, अच्छा एक चीज आप लोगों को पता होगा कि सबरी नदी का जो ट्रिब्यूटरी थी, सबरी नदी का सहायक नदी थी कांगेर। ठीक है, एक तो अच्छे से पढ़ाया था मैंने आप लोगों को पूरा फिगर के साथ। तो बस ये कांगेर नदी जहां से निकलती है ना, वहीं बस ये है हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क, वहां पे घाटियों से ही निकल रही है। ठीक है, तो वहां से घाटियों के पास से होते हुए निकल रही है। अच्छा, जब ये खत्म हो रहा है, इसका बॉर्डर है सबरी नदी, तो सबरी नदी का बॉर्डर हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो या ऐसा समझ लेते हैं कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क का बॉर्डर सबरी नदी बना रही है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे सब चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि यहाँ पे जो बाउंड्री का डिमार्केशन है वो है हमारा सबरी नदी के द्वारा। ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे बहुत सारे फेमस गुफाएं हैं, फेमस केव्स हैं। तो कौन कौन सी फेमस गुफाएं हैं, ये एक है कुटुमसार, दूसरा है डांडक, तीसरा है देवगिरी। ये तीनों गुफाएं, केव्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। वो 1982 में नेशनल पार्क बना था। यहाँ पे पहाड़ी मैना बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आप लोगों को शेर मिलेंगे, लायंस, फ्लाइंग स्क्विरल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे हमको ऐसे पेड़ मिलते हैं जिनसे मेडिसिन हम बना सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हमको यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, वो ये है दोस्तों कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क हमारा क्या नाम से, एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व
डिक्लेयर किया गया था। देखो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इसको कर दे रहा हूँ, एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। बाद में दोस्तों इसको किन्हीं कारणों के वजह से इसको हटा दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से, और अभी हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, अचानक मार्ग, ठीक है। अच्छा ये है कहाँ पे, तो भैसाधारा एरिया कांगेर घाटी में है, और यहाँ पे हमको क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ भी नेचुरली मिल जाते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बताओ बताओ बताओ, कोई परेशानी? हिंदी में आप लोगों के लिए बढ़िया मैंने दे दिया है नोट्स यहाँ पे कि टोटल क्षेत्रफल है 200, कौन कौन सी गुफाएं हैं यहाँ पे, किन किन की गुफाएं हैं वो सब यहाँ पे है, कब बना था, जो इसका सीमांकन करती है वो है सबरी नदी, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्र का सबसे छोटा उद्यान है यहाँ पे, शेर गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। उसके अलावा 1982 में इस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। बाद में इसको हटा दिया गया और यह क्षेत्र पहाड़ी मैना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बोलो कोई तकलीफ, हाँ या ना बताओ दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं मैत्री बाग। मैत्री बाग ये हमारा सबसे पुराना जू है छत्तीसगढ़ का, 1955-56 में बना था। इसको रूस और भारत, इंडिया और रशिया का दोस्ती का प्रतीक माना जाता है इस हमारे मैत्री बाग को। फिर आ जाते हैं इंदिरा पार्क, 1975 में बना था, ये है हमारा मारवाही पेंड्रा वाले क्षेत्र में, मारवाही जंगल वाले क्षेत्र में है, ठीक है। फिर कानन पिंडारी, कानन पिंडारी सकरी में हमारा बिलासपुर 1975। फिर आ जाते हैं हम लोग नंदनवन जू, तो रायपुर, रायपुर में हमारा सबसे बड़ा जू है छत्तीसगढ़ का, सबसे बड़ा जू नंदनवन जू, यहीं पे हमारा जंगल सफारी है, और ये जंगल सफारी हमारा एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड जंगल सफारी है, मानव निर्मित जंगल सफारी एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। तो नंदनवन जंगल सफारी है यहाँ पे नया रायपुर, विल प्रोवाइड प्लीजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर जगह है। अगर कोई नया रायपुर जाता है तो आप लोग जरूर यहाँ पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे वन्य जीवों को बहुत ही अच्छे फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है, और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाते हैं कि जिससे हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उनको, हम वन्य जीव है उनको संरक्षण प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। हिंदी में वही जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई कि रूस और भारत का मित्रता का प्रतीक है इंदिरा मैत्री बाग, इंदिरा पार्क हमारा मारवाही में है, उसके बाद कानन पिंडारी का जो चिड़ियाघर है 1975, सकरी बिलासपुर, फिर नंदनवन चिड़ियाघर हमारा है रायपुर में, यहाँ पे हमारा जंगल सफारी है। जंगल सफारी को मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जंगल सफारी, तो जंगल सफारी हमारा टोटल 202.87.87 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशिया ग्राम तुला जिला हमारा रायपुर, ह्यूमन मेड बिगेस्ट जंगल सफारी ऑफ एशिया एस्टेब्लिश्ड इन रायपुर इन इट विथ स्मॉल जू। तो मतलब जो जू है वो तो मतलब छोटे फॉर्म में है दोस्तों, मेन तो है इसका जंगल सफारी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। 52 एकड़ में यहाँ पास खंडवा वाटर पॉन्ड भी, वाटर पॉन्ड रिजर्वायर भी बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो अभी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वाइसन वाइल्ड बफेलो, वो यहाँ पे उनका संरक्षण किया जाता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, उस प्रोग्राम का नाम है दोस्तों आशादीप, आशादीप के नाम से वो प्रोग्राम चलाया गया है। उसके अलावा जामवंत के नाम से प्रोग्राम चलाया गया है, तो जामवंत आप लोग, अभी अभी रामायण ख़त्म हुआ है कोरोना क्वारंटीन के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, तो आप लोगों को पता ही होगा जामवंत कौन थे, तो है ना, तो उन्हीं के नाम पे संरक्षण किया जा रहा है भालुओं का, बियर का। फिर आ जाते हैं दोस्तों एलिफेंट रिजर्व, तो एलिफेंट रिजर्व मैंने आप लोगों को फिगर में भी दिखाया था, वापस से हम लोगों को फिगर पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि एलिफेंट रिजर्व ये कंबाइंडली मिला के बोलते हैं हम इसको, एलिफेंट रिजर्व तमोर पिंगला
और हमारा बादल खोल सेंचुरी, ये दोनों को मिला के हमारा ये बना था 2011 में। लेकिन दोस्तों क्या है, अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तमोर पिंगला बहुत दूर है और बादल खोल बहुत दूर है, तो दोस्तों सही है, बट यहाँ पे क्या है, पूरा जंगल है, तो हमारे हाथी एक जगह तो नहीं रहते ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा विचरण करते रहते हैं, फिर हमारा लेमरू में भी। तो जब हमारा इसको रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व बनाया गया ना दोस्तों, तो उस समय हमारा कोरबा का जो लेमरू है उसको बनाया गया एलिफेंट रिजर्व 450 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, और बादल खोल और तमोर पिंगला को हमारा एलिफेंट रिजर्व बनाया गया। लेकिन जो ये 11 जून 2011 की बात है, लेकिन बाद में जो कोरबा का लेमरू वाला है ना, इसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि कोरबा आप लोगों को पता है दोस्तों पूरा माइनिंग वाला एरिया, वहाँ पे होता था ब्लास्टिंग, तो ब्लास्टिंग के कारण दिक्कत हो सकती थी हमारे हाथियों को, इसलिए उसको बाद में ड्रॉप कर दिया गया। फिर से 2019 में प्रपोज किया गया है, पहले तो सिर्फ 450 स्क्वायर किलोमीटर के साथ था, अभी 1995 स्क्वायर किलोमीटर के साथ प्रपोज किया गया है लेमरू को। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन लोग फोर्थ टाइगर रिजर्व, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फोर्थ टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क को बनाया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे है, बैकुंठपुर में, और तमोर पिंगला सेंचुरी नॉर्थ में सरगुजा फॉरेस्ट डिवीजन, इसको सबको मिला के हमारा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व होगा आफ्टर अचानकमार सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा कौन सा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, बस इतना ही डिस्कशन जरूरी है इसमें। तो जंगल सफारी मैंने आप लोगों को बता दिया 202 स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर में फैला है, 202.87। उसके बाद ये कितने एकड़ में है, मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है ना, और हमारा जो जंगली भैंसा है बाइसन आशादीप कार्यक्रम के नाम से यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसमें उनकी सुरक्षा की जा रही है। जामवंत के नाम से भालुओं की सुरक्षा की जा रही है। हाथी का रिजर्व 1443 वर्ग किलोमीटर में फैला है ना, तो 11 जून 2011 को बादल खोल और तमोर पिंगला को मिला के बनाया गया, 450 स्क्वायर किलोमीटर में लेमरू को बनाया गया था, ठीक है, और बाद में उसको ड्रॉप किया गया और फिर से 2019 में उसको प्रपोज किया गया है ना। कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन रहा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं दोस्तों हम गिधावा बर्ड सेंचुरी। तो गिधावा बर्ड सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़, ये है हमारा ग्राम है गिधावा और जिला है बेमेतरा। तो टू प्रोवाइड द हैबिटेट टू ईगल, सबसे इम्पोर्टेंट चील का जो संरक्षण है, जो कि एकदम एक्सटिंक्ट है, अबाउट टू यू नो एक्सटिंक्ट मतलब एकदम जो प्रजाति एकदम खत्म होने वाली है, उनका जो उनको स्पेशली उनको ध्यान में रख के बनाया गया। उसके साथ ही साथ 140 अलग प्रजातियाँ 140 अदर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। उनके आसपास का जो वातावरण है, सराउंडिंग है, उसको बिल्कुल इन चिड़ियाओं के अनुकूल बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, उनको इसलिए भी बनाया गया कि बाहर से भी चिड़ियाँ आके यहाँ पर रह सकें, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर डॉक्टर RH रिचरिया बर्ड्स रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनाया गया, कहाँ पे, रायपुर में, ठीक है। फिर हम लोग बनाए हैं दोस्तों काउ सेंचुरी, गाय अभयारण्य तो गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत हमने बनाया। गोकुल मिशन योजना मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ काउ, तो ये दुर्ग और बिलासपुर जिले में है। फिर हमारा फॉसिल पार्क, पहला फॉसिल पार्क छत्तीसगढ़ में बन रहा है, मरीन फॉसिल पार्क के नाम से बन रहा है कोरिया जिले में, ठीक है। और ये हम लोग उसी का सब चीज हिंदी में कि छत्तीसगढ़ का पक्षी अभयारण्य हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा गिधावा गांव में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो विलुप्त हो रही है जो पक्षी उनका, उसके अलावा 140
अलग अलग प्रजातियां हैं यहाँ पे, इनका जिनकी सुरक्षा की जा रही है। आसपास का जो वातावरण है उसको उस पक्षियों के अनुकूल ही बनाया गया है। फिर डॉक्टर RH रिचरिया बर्ड रिसर्च सेंटर, गौ अभयारण्य और हमारा जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क बना है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो आई गेस क्लास बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं गई होगी, एनर्जी थोड़ी सी हो सकता है दोस्तों आप लोगों को डाउन लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको कंपनसेट कर देंगे। तो आज की क्लास अपन लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। किसी को कोई डाउट है ना, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों ज़रूर शेयर करिए। वीडियोस आप लोग शेयर करेंगे और स्टूडेंट्स आएंगे तो पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, और लोगों को अलग अलग तरीके के डाउट्स आएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के डाउट्स पूछेंगे तो आप लोगों को भी सोचने की क्षमता आप लोगों की बढ़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे फिनिश करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू हैव स्टार्टेड। जब भी दोस्तों आप लोगों को लगेगा कि अब ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बहुत कुछ पूछ रहा है, डेटा बहुत ज़्यादा है, तो जैसी आप लोगों को लगे तो वापस से आप लोग अपने दिमाग में दोस्तों सोच लीजिएगा कि आप लोगों ने इसको स्टार्ट ही क्यों किया था, इसको चालू करने के पीछे आप लोगों का सपना क्या था। किसी को डिप्टी कलेक्टर बनना है, किसी को डिप्टी कमिश्नर बनना है, किसी को तहसीलदार बनना है, जिसको आबकारी अधिकारी बनना है, जिसको जो बनना है। ठीक है, वो अपना आप लोग दोस्तों उसको, वो जो भी आप लोगों का टारगेट है उसको एक बढ़िया व्हाइट पेपर में एकदम सजा के कलरफुल लिखिए और आपके रूम में टांग दीजिए और रोज उसको देखिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि वो आप लोगों का टारगेट है और उस टारगेट के लिए आप लोगों को रोज मेहनत करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप लोगों को लगे कि मेरे को थोड़ा भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है या मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो अपना लक्ष्य आप लोग, अपना टारगेट दोस्तों वापस से आप लोग याद कीजिएगा कि क्यों आप लोगों ने CGPSC की तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी तकलीफ हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, बिल्कुल मेरे को मैसेज करिए, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बिल्कुल बैठा हुआ हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए कल यहीं पे हम लोग मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।